हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, मैं हूँ आपका एडमिशन मेंटोर। गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पर्सपेक्टिव के अंदर आता हूँ। टिल एक्शन में गाइस, हमने इससे पहले इस कलर के जो आगे है बम्पर, उसके कलर के बारे में जान लिया था। और गाइस, जो आज हम जानेंगे साइड के कलर के बारे में जान लेंगे। साइड पे हम कलर कैसे करेंगे और कलर करने के बाद हम इस पे टेक्सिंग कैसे करेंगे, इन दोनों चीज के बारे में गाइस हम अच्छे से जान लेंगे। तो गाइज, मैं समय ना लेकर मैं वर्क पे स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो गाइज मैंने इससे जो 50 नंबर का लेक्चर था उसमें मैंने गाइज आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उसके अंदर आपको बताई थी। ओके, जैसे कि हाइपर शेड देख लो। जैसे आप ये हाइपर शेड मैंने आपको बताया था दो तरीके से, मैं आज फिर आपको बता देता हूँ। एक तो हाइपर शेड आप गाइज यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, ये डिस्प्ले हाइपर शेड विंडो आप देख रहे हो, या दूसरा आपको पैनल के अंदर जाकर, और यहाँ पे देख लो पैनल, पैनल के अंदर से देखो आप हाइपर शेड यहाँ से भी गाइज निकाल सकते हो। प्लस मेरे को यहाँ पे निकालूंगा तो मेरे को यहाँ पे इसका वर्क थोड़ा छोटा दिखाई जाएगा, स्क्रीन पर थोड़ा वर्क ज्यादा हो जाएगा और मेरे को स्क्रीन इसकी थोड़ी छोटी दिखाई देगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये विंडो मैं गाइज अलग से ले लूंगा यहाँ पर बाहर से ही। ओके ठीक है, मैंने गाइज इसको ले लिया। और ये जो मेरा आप देख रहे हो सारा वर्क, इससे पहले गाइज हमने इसी लेक्चर में किया था, इससे पहले गाइज हमने 15 लेक्चर में ये सारा वर्क किया था। इसी में से गाइज हम थोड़ा और वर्क कर लेंगे। अब ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये आप पेंटिंग देख रहे हो गाइज, पेंटिंग, ये पेंटिंग है आपकी। तो पेंटिंग हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, अभी मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करके वो इस पाथ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है। शिफ्ट दबा के मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि मैं आपको देख रहे होंगे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ गाइज। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब जाऊंगा मैं हाइपर शेड के अंदर। अब जो ये पेंटिंग आप देख रहे हो, कार पेंटिंग, कार पेंट जो आपका है, मैं इस पे माउस का राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से एसेंस मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, छोड़ दूंगा बस ये मानो आप। जैसे मैं इस पे करता हूँ तो इस कुछ सेटिंग आपको ऐसे नजर आएगी, और मैं थोड़ा आपको यहाँ पे अंदर भी जाके दिखा देता। तो अब इसका कलर आपको यहाँ से चेंज बराबर से दिख जाएगा। पर गाइज, अब मैं क्या करता हूँ, इतना होने के बाद अब मेरे को आगे बढ़ना है थोड़ा। ठीक है, हम आगे चलते हैं गाइज। ये सब करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक लेयर शेडर ले लेता हूँ। लेयर शेडर पे मैं क्लिक करूंगा और ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको काट दूंगा यहाँ से, डिलीट सिंपल। और इसको मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, इसके अंदर मैं क्या लेऊंगा, आप ये देख रहे हो बेसिक कलर में, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। बेसिक कलर में इसको माउस के मिडिल क्लिक से उठाऊंगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। और ये करने बाद ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर, इसको यहाँ पे कंटे का निशान है रोंग, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये चला जाएगा। ओके, और इसके नीचे आप देख कार पेंटिंग हेडलाइट, तो इसको भी मैं ऐसे मिडिल क्लिक से उठा के ऐसे ड्रॉप कर दूंगा। अब हुआ क्या आएगा जी, अब जो मैंने ड्रॉप किया ये इससे सेलेक्ट हो गया। अब गाइज हम इसका यहाँ से नाम दे सकते हैं, इसका मैं नाम दे देता हूँ। अब इसका नाम दे देते हैं हम गाइज, हम साइड, SID, साइड कार दे सकते हैं। ओके, आराम से कार दे सकते हैं, तो साइड कार हमने इसका नाम दे दिया और एंटर मार दिया। और इसको फिर हम आएंगे इसको मिनिमाइज करके और इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको शिफ्ट दबा के इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर गाइज, पहले जैसे ही ये सेलेक्ट होगा। अब फिर से इसको हाइपर शेड के अंदर, अब ये देख रहे जो हमने साइड कार नाम दिया, इस पे माउस का राइट क्लिक करेंगे और फिर सेल मटेरियल व्यू पोर्ट सिलेक्शन, इस पे छोड़ देंगे। तो इतना हो गया, ये सब होने के बाद गए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ फिर अपना मटेरियल के अंदर। मेरे को मटेरियल यहाँ पे आपको देखो लैम्बर्ट, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आपको लैम्बर्ट यहाँ से मिल जाएगा। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, थोड़ा मैं इसको ऐसे करके जूम कर लेता हूँ। ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गाइज मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ साइड, SID साइड, और डेकल, DACALS। एंटर। इसके बाद आप ये देख रहे कलर, कलर के समय आपको ये चेकर दिखाई देगा, चेकर इस पर हम क्लिक कर देंगे।
क्लिक कर दो गाइज, आपको इस प्रकार से एक फाइल मिल जाएगी। ठीक है गाइज, इतना हुआ। इसके बाद इमेज नेम, हम इस पे क्लिक करेंगे इमेज नेम की फाइल पर, और जहाँ पे आपकी फाइल है आप उसको लेकर आ सकते हो। वीडियो जहाँ पे गई मैंने अभी डाली थी उसको मैं लेकर आता हूँ, बॉडी कलर। ओके ये रही आपकी, और मैं इस पे ओपन कर दूंगा। ठीक है गई, आपको यहाँ पे शो रही होगी, आप देख रहे हो, देख रहे हो, ये रही आपकी। ठीक है गई, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अभी जो हमने लिया था ना कार, साइड कार, साइड कार पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा साइड डेकल को मैं मिडिल से उठा के इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। अभी बेसिक सबसे स्टार्टिंग में इसको रखूंगा, इसके बाद लाइटिंग कार। ओके अब देख रहे होंगे गाइस इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, हम सबसे पहले अब गाइस करते क्या है, इसको मिनिमाइज करके हम अपने माइक के अंदर प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं हमारा टेक्सचरिंग अच्छे से हुआ है या नहीं। ओके गाइस, तो हमारा टेक्सचरिंग तो हो गया, प्लस गाइस हमारे कुछ ऑप्शन यहाँ पर रह गए, जैसे कि ये कलर्स, और यहाँ पे हमने कुछ टाइपिंग नाम दिए थे, अदरवाइज ये रह गए। तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। ओके गाइस, ठीक है गाइस, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं यूवी, यूवी के अंदर एक तो आपको गाइस दिखेगा यूवी एडिटर, हम इसको ले लेंगे। इसके बाद गए जाते हैं हम प्लानर। ओके इस पे ये बॉक्स है, इस पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ तो चाहिए गए मेरे को क्या एक्स, तो एक्स पे मैं क्लिक अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर अप्लाई। ओके ठीक है, मैं इसको अब जाओ मिनिमाइज कर देता हूँ इन सभी को। ओके इस प्रकार से गए मेरे को ये मिल जाएगा, आप देख रहे होंगे अच्छे से मेरे को ये मिल गया, क्योंकि ये डिजाइन आपका इस तरीके से ही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से माउस का राइट क्लिक करके यूवी सेल कर लेता, इसके बाद यहाँ पे स्केल टू ले लूँगा, शिफ्ट दबा के इनको स्केल के बटन से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये इधर हो गया, इसके बाद हम थोड़ा स्केल करेंगे। सॉरी गाइस, ये आपका थोड़ा पीछे का भी रह रहा है, तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये साथ साथ होएगा तो बेटर रहेगा। और इसके बाद अपना क्या रहेगा, ये रह गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और ये भाई। ओके भाई, थोड़ा छोटा, तो इस प्रकार से गाइस ये आपको दिखाई देगा। थोड़ा और करते हैं, ठीक है गाइस, और थोड़ा ऐसे, ठीक है गाइस। अब मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, और यूवी एडिटर से इसको यहाँ से क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा, पर गाइस इसमें देख रहे होंगे आप, आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, इसके नाम जो है थोड़ा ये अच्छे से शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है गाइस, देख रहे होंगे गाइस आप, तो आपको इस पर थोड़ा ये कलर ऐसा, इससे कलर के लिए थोड़ा आपको कलर चेंज करना होगा इसका, अपने टैक्स का, जैसे कि आपको अच्छे से दिखाई दे।